फेक न्यूज़ यानी फर्जी या झूठी खबरों पर आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। कई देश फेक न्यूज़ पर लगाम लगाने के लिए तमाम उपाय कर रहे हैं। इसी साल जनवरी में ब्रिटेन ने फेक न्यूज़ की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा संवाद इकाई बनाई थी। भारत में भी फेक न्यूज़ पर एक्शन लेने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 2 अप्रैल 2018 को एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसके मुताबिक फेक न्यूज़ की शिकायत होने पर किसी पत्रकार की मान्यता भी रद्द करने का प्रावधान किया गया था। हालांकि इस गाइडलाइन के विरोध और इस पर उठ रहे तमाम सवालों के बीच अगले ही दिन यानी 3 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रेस रिलीज को वापस लेने का निर्देश दे दिया। साथ ही पीएम ने ये भी कहा कि ऐसे मामलों का निपटारा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ही करेगी। फेक न्यूज़ के नाम से ही पता चलता है कि इसमें झूठी खबर या फिर खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। इसमें आंकड़ों, रिपोर्ट या किसी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करके इसे सोशल मीडिया या फिर किसी अन्य जरिए से फैलाया जाता है। डिजिटल और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण फेक न्यूज़ दुनिया में एक बड़ी समस्या बन चुकी है, जिसके जरिए कोई भी अफवाह फैलाई जा सकती है और किसी की भी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसलिए ऐसी खबरों पर रोक लगाने के लिए दुनिया भर में कोशिश की जा रही है। मलेशिया ने 2 अप्रैल 2018 को ही अपनी संसद में एंटी फेक न्यूज़ बिल पास किया। इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति या डिजिटल मीडिया जो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाएगा, उसे $1,23,000 यानी करीब 80 लाख रुपए का जुर्माना और 6 साल तक की सजा हो सकती है। हाल ही में एसोसिएटेड प्रेस ने भी ये बात मानी थी कि उसकी दी गई खबरों में कुछ खबरें ऐसी थी जो न्यूज़ नहीं थी। इसलिए एपी ने एक नए न्यूज़ फीचर की शुरुआत की है, जिसका नाम है नॉट रियल न्यूज़। इसके तहत ऐसी फेक न्यूज़ का पर्दाफाश किया जाता है जो ट्विटर या अन्य प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही हो।